तो देखो प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं बेसिकली। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है एस सी वर्मा का। ये कहते हैं, टू सेटेलाइट S1 एंड S2 आर रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट इन को प्लेनर ऑर्बिट इन द सेम सेंस। तो सेम सेंस में रिवॉल्व कर, देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब दो सेटेलाइट है उनका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड T1 इज इक्वल टू 1 आवर है, तो ये जो दूसरा वाला ऑर्बिट है इसका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली हमको दिया हुआ है कितना भाई, देखो 8 आवर है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली, ये जो टाइम पीरियड T2 है वो है 8 आवर, ठीक है। तो कहता है रेडियस ऑफ द S1, यहाँ पर जो ऑर्बिट फर्स्ट है S1, इसकी रेडियस, ये S1 सेटेलाइट है तो इसकी रेडियस r आपको दिया हुआ है 10^4 किलोमीटर, और R2 कितना है वी डोंट नो अबाउट इट, दिस रेडियस इज अननोन फॉर अस, ठीक है ना, ये R2 अननोन है, तो R1 इतना दिया हुआ है। तो कहता है स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, इसका क्या मतलब होता है कि स्पीड ऑफ S2, तो जो S2 ये है S2 और ये है S1, ठीक है। तो ये कहता है कि जब एक दूसरे के क्लोजेस्ट है तो स्पीड ऑफ S2 को मैं देख रहा हूँ S1, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, इस सेटेलाइट में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो स्पीड ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको कितनी स्पीड नज़र आएगी इस ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर सेटेलाइट S1 पर है, तो उसकी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें S2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेडियस। तो केपलर्स लॉ का यूज करके r रेडियस का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, केपलर्स लॉ यूज करके बच्चों हम लोग इसमें निकाल लेंगे बेसिकली। हाँ, यूज करते हैं केपलर्स लॉ का, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R^q होता है। तो टाइम पीरियड T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का क्यू, ठीक है। तो T1/T2, तो T1 1 है और ये 8 है, और ये आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा R2 नहीं, ये क्या कर रहा हूँ यार, ये R1/R2 की वैल्यू, ठीक है। तो R1 तो हमें दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2^3, तो 2^3 और इस पे 2/3 है पावर, तो 3 3 कट गया, तो ये आ जाएगा 1/4, दैट इज R1/R2। तो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 times R1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेडियस का रिलेशन आ गया, और यहाँ से R1 की वैल्यू दिया हुआ है, तो R1 कितना है ऊपर देखो, R1 इज इक्वल टू 10^4 है, तो इतना 4 गुना आ जाएगा R2। तो यहाँ से R2 और R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी, ये R2/R1 की वैल्यू आ जाएगी ये वाला। तो यहाँ से मैं R1 और R2 की वैल्यू निकाल लिया। अब स्पीड निकालना है, तो देखो, तो स्पीड, हाँ, अगर कोई अर्थ से, कोई ऑब्जर्वर अर्थ से देखता है तो वो कितनी स्पीड देखेगा S1 की, तो वो स्पीड देखेगा V1, और अर्थ से इसकी स्पीड देखेगा V2। लेकिन अगर इस सेटेलाइट S1 से देखता है तो वो V1 V2 नहीं देखेगा यार। तो सबसे पहले V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लीनियर स्पीड V इज इक्वल टू डिस्टेंस 2π R1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पीरियड T1, स्पीड इज इक्वल टू, तो 2π R1 और टाइम पीरियड T1, ये किसकी स्पीड है। तो यहाँ से 2π और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 10^4 है और टाइम पीरियड 1 आवर है, तो ये रहा स्पीड V1। उसी तरह से स्पीड V2 अगर मैं अर्थ से देखूंगा तो 2π R2 और टाइम पीरियड T2 नज़र आएगा, तो 2π और R2 की वैल्यू 4 × 10^4 और डिवाइडेड बाई, इसका टाइम पीरियड 8 था, तो ये आ जाएगा 8, और ये 2 times कट गया और ये कट गया, मतलब π × 10^4 आ जाएगा, दैट इज 2। तो ये कितना है, तो ये स्पीड 2 है। तो अब अगर मैं कोई, हाँ, S1 से देखता हूँ, ये पार्ट सॉल्व करूँ, तो स्पीड ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ टू माइनस स्पीड ऑफ फर्स्ट, दिस इज द विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन S1, S1 पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए है। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो वी टू की वैल्यू आ जाएगी स्पीड अप टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो माइनस कर दो तो 2π × 10⁴ और −π × 10⁴ का मॉड ले लो, तो कोई ये फाइनली जो सॉल्व होके आएगा तो ये आ जाएगा π × 10⁴ मॉड मैग्नीट्यूड में इतना किलोमीटर पर आवर। कोई ऑब्जर्वर फर्स्ट पे होगा तो ये देखेगा, उसकी स्पीड इतनी मैग्नीट्यूड में दिखाई देगी। तो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में इन्होंने पूछे हैं कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ S2 ऑब्जर्वर बाय S1। तो एंगुलर स्पीड ऑफ S2 ऑब्जर्वर बाय द S1, मतलब S1 में कोई ऑब्जर्वर एक एस्ट्रोनॉट है जो S1 में है, तो एंगुलर स्पीड कितना देखेगा। तो एंगुलर स्पीड का क्या डिफिनेशन है भाई पार्ट 2। तो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे आप डिफाइन करते हो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा डिसाइन करते हो, लेकिन एक्चुअली जो ओमेगा है वो वी अपॉन आर है ऐसे। तो अब ये कहते हैं कि इसको रिलेटिवली हमें डिफाइन करना है, तो रिलेटिवली डिफाइन करना है तो स्पीड ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू लीनियर स्पीड ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और रेडियस ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजिशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये आ जाएगा V2 − B1 और ये आ जाएगा R2 − R1, ठीक है ना, ये मॉड। तो वट इवर जो भी है यहाँ से अब तुम कैलकुलेट कर लो, तो π × 10⁴ पहले से ही इन दोनों का मैं निकाल चुका हूँ, और रेडियस तुम निकालोगे तो 4 × 10⁴ और −10⁴, तो ये आ जाएगा तो π/3 इतना रेडियन पर सेकेंड पर आवर आएगा ना, रेडियन पर आवर। एंगुलर स्पीड अप टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अगर कोई ऑब्जर्वर सेटेलाइट फर्स्ट में है तो उसको इतनी दिखाई देगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन रिलेटेड टू द SC वर्मा। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।